खबर यूपी के बहराइच से, जहां उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। तो वही दो चरणों में होने वाले चुनाव का पहला चरण में 4 मई को जनपद बहराइच में चुनाव होना है, जिसको देखते हुए प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। आज जनपद बहराइच के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम बहराइच डॉक्टर धीरेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने का प्रयास करेंगे। अभी विस्तार से, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के विभिन्न पदों अर्थात अध्यक्ष और सदस्य के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 9 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है। सभी जिम्मेदार और प्रभारी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने आज बैठक की है, उनको आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में बताया, जो सुसंगत प्रावधान है, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मेरा सभी नागरिकों से, सभी राजनीतिक दलों से, संभावित प्रत्याशियों से और सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से जो निर्वाचन प्रक्रिया में लगेंगे, उनसे आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है और उसको हम लोग बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से बात भी करेंगे। साथ ही जो इस निकाय के चुनाव होना है उनकी तारीखों के संबंध में आज जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से सूचना निर्गत हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर से 11 अप्रैल 2024 को विभिन्न निकायों की अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन की जो तिथियां हैं, किस तिथि से नामांकन पत्र होगा और कब तक लिया जाएगा, स्पूटनी कब होगी, अभ्यर्थन वापसी की तिथि और अन्य सभी पूरा जो शेड्यूल्ड है उसको आप लोगों से साझा किया गया है और मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय संयुक्त रूप से आप सबसे अपील करते हैं कि निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्वाचन कार्य करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और एक बहुत सुंदर निर्वाचन नगरीय निकाय का हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जनपद बहराइच में 2 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो आयोग से दिशा निर्देश मिले हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, जैसे कि जो लाइसेंस की असल है उनको जमा कराना, जो बदमाशी कर सकने वाले व्यक्ति हैं या तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जनपदीय बैरियर हैं उनको जो है डिप्लॉयमेंट स्टार्ट बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो पूरे एक जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लगातार हमारी नजर है और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही निष्पक्ष वातावरण में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अभी विस्तार